अस्सलाम वालेकुम अबजान यूट्यूब चैनल पर आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गोदाम के दूसरे मंजिल पर। सबसे पहले आप दोस्तों को बताता चलूँ कि 7-8 दिन से हमें मैसेज और फोन कॉल्स आते रहे, जिसमें हमसे यही पूछा गया कि अबजान आपके चैनल पर माल के हवाले से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 ऑर्डर्स थे जो काफ़ी बड़े थे, उसको पूरा करने में हमने दिन रात मेहनत की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो ऑर्डर्स हमारे पूरे हो गए। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेरे वेबसाइट पर आपको नज़र आ रहा है हमारे भाई जो कलर का काम कर रहे हैं, वसीम उस्ताद, इनसे कलर के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। वसीम भाई जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे मालूमात कलर के हवाले से आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा है। तो वसीम भाई आपको लगाने का, ताकि कम पैसों में मजबूती भी हो और अच्छी शाइनिंग भी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्रांडेड कंपनी का कलर यूज़ करना चाहिए। ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनी आप चूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या शाइनिंग और कोई फ्रॉड नहीं हो सकेगा, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, उसमें आप कोई क्लेम आप कर ही नहीं सकते कि ये कलर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बेफिक्र हो कि आप ब्रांडेड कंपनी का कलर यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद जो कलर करने का तरीक़ेकार है वो मैं आपको गाइड कर दूँगा, कि सबसे पहले आपको बेस बनानी चाहिए कलर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब बेस आप बना लेंगे कम्प्लीटली सही तरीके से, तो कलर आप उसके ऊपर आराम बसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये है कि आप वॉल प्राइमर इनको अप्लाई करें उसका वॉल प्राइमर का, उसके बाद आप उसमें वॉल पट्टी दो कोट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे एक तो शाइनिंग भी आएगी कलर में सही बेस बनने पर, और खूबसूरती के साथ साथ मजबूती भी रहेगी, जिससे कलर की लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम यानी कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीका होगा, ओरिजिनल तरीका है, इसमें आपको कंपनी भी जो है वो यही गाइड करेगी। तरीके का कंपनी का जो असल गाइडनेस है वो यही है कि आप प्राइमर लगाएं, उसके बाद वॉल पट्टी करें, ठीक है। वॉल पट्टी अप्लाई करने के बाद आप उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, जिससे कलर की लाइफ टाइम के लिए आप उसको मजबूती भी आएगी, शाइनिंग भी आएगी उसमें। अच्छा वसीम भाई, कुछ कारीगर हैं, सबकी बात नहीं करेंगे कि जिन 5 रुपये बराबर नहीं, कुछ कारीगर हैं वो दोनों ही तरीके से आपका कलर जो है ना आपका कलर ज़ाया करके चले जाते हैं, वो आप बताएं उसको पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि आपका कलर ज़ाया ना करें। अगर आपका कलर अच्छा वाला महंगा आपने जैसे बताया ब्रांडेड हो, और आपने ब्रांडेड कलर भी लिया हो और उसके बावजूद भी जो कारीगर है वो आपका जो कलर है वो ख़राब कर देते हैं, उसमें शाइनिंग भी नहीं हो, मजबूती भी नहीं हो, तो उसको पकड़ने के लिए क्या है सर सिस्टम? मैं सिर्फ यही है कि आपको कलर की थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने की थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए, जो आपको कलर के डब्बे के ऊपर पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा, तरीक़ेकार उसका इस्तेमाल करने का, अप्लाई करने का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आप पढ़ें, रीड करें और उसके बाद आपको मालूमात हो जाएगी कि कलर कितना यूज़ करना है, कितनी मिकदार में यूज़ करना है, आप सारी मालूमात उसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि डब्बे के ऊपर बाकायदा से लिखा होता है, लेकिन मेरे जैसे अगर अनपढ़ वो इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए यही है कि अगर आप देसी तरीका बताओ इधर का, जैसे अगर आप डिस्टम्बर लेते हैं, ठीक है, आपने एक छोटा डब्बा लिया 4 लीटर का, तो उसमें आप 2 लीटर आप उसमें पानी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, जिससे आपका कलर नॉर्मल रहेगा, ना ज़्यादा ज़ाया होगा और ना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, बिल्कुल नॉर्मल कलर रहेगा। 2 लीटर आप उसमें पानी यूज़ करें 4 लीटर के डब्बे में, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा, आप डिस्टम्बर लगाने में आपको ज़्यादा खुशी होती है, चूना लगाने में या फिर ऑयल पेंट में या मैट में? हमें तो सब में खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम तो इसमें काफ़ी हमें अच्छा गुजारा है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। डिस्टम्बर मिल जाए, ऑयल मिल जाए, मैट फिनिश मिल जाए, वाटर मैट मिल जाए, वेदर शीट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमने तो करना काम, और
अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हम लोग महारत रखते हैं, इसलिए कोई मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं आती। बिल्कुल, मेरे दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वसीम भाई की बॉडी से लग रहा है कि बहुत मेहनती है। मैं इनके सामने तारीफ नहीं कर रहा, और इंशाल्लाह अभी तक तो काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक मेरे ख्याल से आपने एक हाथ लगाया है। जी हाँ, अभी दूसरा कोड हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो पहला कोड आपने लगा दिया, अभी दूसरा जो है जब मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह वो हम आपको दिखाएंगे कि वसीम भाई ने हमारा काम अच्छा किया है या कि फिर ख़राब किया है। ठीक है, तो माशाल्लाह से जिस दुकान वाले से हमने पेंट लिया, उन्होंने जो है ना हमें बताया कि दिस इज़ अ परफेक्ट मैन। ठीक है, और बहुत अच्छे कारीगर हैं, दिल से काम करते हैं। सामने मैं किसी की तारीफ नहीं करता। तो फ्रेंड्स, वसीम भाई ने आप दोस्तों के साथ कलर के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात शेयर की, और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि मुकम्मल होने के बाद इसकी जो वीडियो है वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि वसीम भाई के हाथ का कितना खूबसूरत कलर किया हुआ है हमारे गोदाम की दूसरी मंजिल पर। और इंशाल्लाह यहाँ से हम आप दोस्तों के साथ लड्डे के हवाले से, लड्डे के माल के हवाले से लाइव भी आएंगे, और छोटी छोटी सी चार चार मिनट की वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं और वसीम भाई और कैमरामैन आरिफ खुदाफिजी चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।